हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट होम के चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमसे चर्चा करेंगे यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसका कितना कट ऑफ जाने वाला है, काफ़ी लोगों ने अभी तक वीडियोस बना चुका है, हमने भी एक वीडियो बनाया है। काफ़ी जो एनालिसिस करने के बाद काफ़ी स्टूडेंट से बात किया हमने, उसके बाद जो हमने इस वीडियो को बनाया है ताकि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले और साथ ही दोस्तों आपको ये बता सक सके कि आप कितने मार्क्स आ रहे हैं तो इसके बीच में तो आप जो अपने मेन्स की तैयारी में अभी से लग सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पूरा बताएंगे आपको कैटेगरी वाइज और पूरा एनालिसिस करेंगे एक एक सेक्शन वाइज कि आपको समझ में आ जाए कितने मार्क्स आपके जो है ऑलरेडी बन रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नोकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नोकी चैनल पे आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है दोस्तों। और जब भी कोई नया नौकरी फॉर्म आता है सरकारी का तो उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन से लेकर उसके फाइनल रिजल्ट तक, जी हाँ दोस्तों, हम पूरी अपडेट आपको जो है स्मार्ट नोकी चैनल पर प्रोवाइड करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ बेसिक चीज़ें। जैसे आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी में जो लोअर पीसीएस है इसमें 11 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था। जी दोस्तों, 11 लाख लोगों ने जो है फॉर्म भरा था। जब आपको पता है टोटल पोस्ट कितनी है वो है 672, यानी आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो है डिमांड है। जी हाँ दोस्तों, यूपी में जो है हमारे और 11 लाख स्टूडेंट ने जब इसका फॉर्म भरा है तो इतना ज़्यादा कंपटीशन जो है टफ हो चुका है। बट दोस्तों, आप लोग के लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि इसमें 50%, जी हाँ दोस्तों, टोटल 50% स्टूडेंट जो है वो एब्सेंट थे। तो यहाँ पे आपका आधा कंपटीशन तो ऐसे ही कम हो गया, क्योंकि 11 लाख स्टूडेंट्स में से अगर 50% स्टूडेंट कम है तो आपको लगभग 5.5 लाख लोगों ने जो है इसका एग्ज़ाम में बैठे थे, यानी कि 50% लोग अनुपस्थित थे, यानी कि एब्सेंट थे, जो इस एग्ज़ाम में बैठे नहीं, सिर्फ फॉर्म भर के ही उन्होंने छोड़ दिया। साथ ही दोस्तों, आपको एक बात और बता दूंगा कि इस बार पैटर्न आपका जो है चेंज हो चुका है, यानी कि पैटर्न जो है पहले जैसा नहीं रहा। अब पैटर्न में कुछ बदलाव आए थे जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी जो है उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, अब हम बताएंगे आपको कि कितना कट ऑफ जो है आपका टोटल जाने वाला है इसमें। आपको पता है 150 मार्क्स का जो आपने ये पेपर दिया उसमें काफ़ी जो है स्कॉलर स्टूडेंट्स भी थे, काफ़ी जो है मीडियम स्टूडेंट भी थे, काफ़ी लोगों को जो है पेपर पैटर्न जो है समझ में नहीं आया, काफ़ी लोगों ने जो है इसका उतार चढ़ाव भरा जो है इनका रिएक्शन रहा, क्योंकि हमने काफ़ी स्टूडेंट से चर्चा की और उनका जो एक्सपीरियंस था वही कुछ हम आपको शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, सामान्य ज्ञान, जी हाँ दोस्तों, सामान्य ज्ञान से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, वो क्वेश्चन थे आपके टोटल 50 क्वेश्चन पूछे गए थे सामान्य ज्ञान से। अब दोस्तों, विज्ञान की क्वेश्चन की बात करें तो विज्ञान से पूछे गए थे आपसे 25 क्वेश्चन, और नंबर 3 पे आता है आपका मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे 25। उसके बाद आपका आता है रीजनिंग, रीजनिंग में भी पूछे गए थे आपसे 25, और हिंदी आता है उसके बाद हिंदी में भी पूछे गए आपसे 25। तो ओवरऑल दोस्तों, आपका टोटल क्वेश्चन हो गया 150। जी हाँ दोस्तों, 150 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए थे और इस एग्जाम में 150 क्वेश्चन में आपने जो है से अटैम्प किया। अब इसमें दोस्तों दो चीज़ होती है, इसमें गुड अटैम्प होता है, एक नॉर्मल अटैम्प होता है, और एक जो होता है तुक्का मारने वाले। तो हम आपको गुड अटैम्प की बात करते हैं, कितना जो है गुड अटैम्प होगा, यानी कि कितना जो है बेहतर अटैम्प होगा। तो हम पहले स्टार्टिंग से बताएंगे आपको सामान्य ज्ञान का। तो सामान्य ज्ञान में आपको पता है दोस्तों 50 क्वेश्चन थे जिसमें से 30, जी हाँ दोस्तों, 30 प्लस अगर आपने अटैम्प्ट किया है, यानी 30 प्लस में अगर आपने अटैम्प्ट किया है तो आपका जो है गुड अटैम्प्ट माना जाएगा। और नंबर 2 पे आ जाते हैं हम, नंबर 2 पे आता है हमारा विज्ञान, यानी विज्ञान में 25 क्वेश्चन था, और अगर 25 में से आपने 15 प्लस, जी हाँ दोस्तों, 15 प्लस अगर क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया तो ये आपका बहुत ही अच्छा अटैम्प्ट रहा दोस्तों। नंबर 3 पे आ जाते हैं, नंबर 3 पे आता है मैथ, मैथ में आपसे 25 क्वेश्चन पूछा गया था, 25 क्वेश्चन में से अगर आपने 13 प्लस, जी हाँ दोस्तों, 13 प्लस अगर आपने अटैम्प्ट किया है, 25 क्वेश्चन में से 13 प्लस क्वेश्चन अगर आपने अटैम्प्ट किया है मैथमेटिक्स में, तो आपका ये गुड अटैम्प्ट माना जाएगा। अब नंबर 4 पे आ जाते हैं हम अपने दोस्तों, तो नंबर 4 पे हमारा है रीजनिंग। जी हाँ दोस्तों, रीजनिंग जो है हमेशा आपका समय ज़्यादा खींचता है, और समय ज़्यादा खींचता है जिसकी वजह से आपका जो है अटैम्प बहुत अच्छा नहीं हो पाता, लेकिन 25 में से अगर आपने 15 प्लस क्वेश्चन अटैम्प किया है रीजनिंग में तो दोस्तों आप बहुत ही अच्छा अटैम्प माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 15 अटैम्प अगर आपने 25 में से किया है। लास्ट में आता है हमारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट, जी हाँ दोस्तों, जो है हमारा हिंदी। तो हिंदी में आपने 25 में से अगर 17 से 18 प्लस, जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 18 प्लस अटैम्प्ट किया है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों, क्योंकि 18 प्लस जो है बहुत ही अच्छा गुड अटैम्प्ट माना जाएगा, और 18 प्लस वालों को जो है बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अब बात करते हैं हम आपको कट ऑफ को लेकर। तो कट ऑफ को लेकर दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर, मैंने यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस के ऊपर जो कट ऑफ का वीडियो बनाया है वो देख सकते हैं। अनरिजर्व में अगर आप अनरिजर्व में है, मेल कैंडिडेट है, तो आपका 90 प्लस, जी हाँ दोस्तों, अगर 90 प्लस आपका आ रहा है 150 में से तो आप जो है अपने मेंस की तैयारी में लग जाइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मेंस की तैयारी में आप लग जाइए 90 प्लस में अगर आपका आता है। अगर 87 प्लस में अगर आपने ओबीसी में है तो आप जो है मेंस की तैयारी में अभी से शुरुआत करिए, क्योंकि ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 87 के ऊपर नहीं जाएगी दोस्तों। ऊपर नीचे इसलिए हो रही दोस्तों क्योंकि जो है पैटर्न जो है बहुत डिफरेंट था, पहले की जैसा पैटर्न नहीं आया था। इस बार काफी लोग जो है अचंभा में थे कि ऐसा पैटर्न कैसे पूछा गया, लेकिन जो है इसलिए उतार चढ़ाव भरा ही रहा, और आपको जो 87
अगर 85 भी आपका है दोस्तों तो भी आप मेंस की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि 85 से 87 के ऊपर जो है कट ऑफ नहीं जाने वाली। एससी की बात करें तो एससी के लिए आपको पता है 82 के आसपास में अगर आपका नंबर आता है, जी हाँ दोस्तों 82 प्लस में है आप, तो अभी से जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के अभी से लग जाइए अपने मेंस की तैयारी में, क्योंकि ये जो कट ऑफ है आपके मेंस के लिए मैं बता रहा हूँ, फाइनल कट ऑफ नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ मेंस में बैठने के लिए है। और एसटी में अगर आप 75 प्लस हैं, जी हाँ दोस्तों अगर 75% नंबर आपने जो है 75 प्लस अगर आपने एसटी कैटेगरी में पाया है तो दोस्तों आप अपनी मेंस की तैयारी में लग सकते हैं। और दोस्तों मैं एक बात और आपको बता दूं कि टोटल जो वैकेंसी है आपकी 672 है और आपको इसको 15 गुना, जी हाँ दोस्तों 15 गुना जो है बच्चों को बुलाया जाएगा आपको। और दोस्तों ये जो 15 गुना बुलाया जाएगा ये नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है, बट हमेशा जो है 15 गुना जो है बच्चों को बुलाया जाता है सेकंड राउंड के यानी मेंस में बैठने के लिए। एक सीट पे आपको 15 लोगों का जो है मुकाबला होता है, तो 672 गुणे 15 आप कर लेंगे तो आपको जितने स्टूडेंट्स की संख्या मिलेगी दोस्तों वो इतने ही स्टूडेंट जो है आपके इस मेंस एग्जाम में बैठेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के अंदर से आपको काफी कुछ समझने को मिला होगा, बट अगर कुछ डाउट्स अगर आपके हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए, हमसे पूछ सकते हैं अपने सवाल, और जो भी डाउट है हम आपको उसमें वहां का आंसर आपको दे देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।